तो गाइस अभी हम फ्रंट डेस्क में जाएंगे, आपको दिखाएंगे, टूर कराएंगे।
भी फ्रंट डेस्क से हमें चाबी मिल चुकी है, तो अभी चलते हैं हमारे रूम पे। तो गाइस ये जो सीढ़ी है ना, वो उसका भी मुझे अच्छा लगी, मतलब सीढ़ी ग्लास वगैरह लगाए हैं यहाँ पे, और ये आप देख सकते हो पीछे पूरी झाड़ियाँ ही हैं। सो गाइस यहाँ पे एक और फ्लोर है ऊपर, मतलब टोटल 3 फ्लोर का बिल्डिंग है। और इधर मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाईफाई का राउटर है, और यहाँ पे ये लॉबी आप देख सकते हो। एक और राउटर, सो गाइस चलते हैं अभी रूम टूर पे। तो सबसे पहले रूम टूर, अभी ये देखो ये है हमारा बेड। तो गाइस वैसे रूम छोटा है पर अच्छा ही है, मतलब लाइक ये देखो ये बेड, आराम कर सकते हैं हम। ये उनका मेनू कार्ड, एसी का रिमोट, ये पेंटिंग। गाइस पेंटिंग सबसे ज़्यादा यूनिक है और अच्छी है। और ये दो लैंप्स है, ये देखो नाच रही है। और यहाँ पे टेलीफोन है जिससे आप कॉल लगा सकते हो, 9 नंबर का इस रिसेप्शन के लिए है, और 2032 जो रेस्टोरेंट के लिए है। अगर आपको कुछ ऑर्डर करना होगा तो आप कर सकते हो ऑर्डर। और अभी चलते हैं गाइस, ये हमने लिया था कल एक एक्स्ट्रा बेड सोने के लिए। तो अभी चलते हैं, यहाँ पे कबर्ड है तो इसमें हम लोग ने ये पंप रखा है जो ट्यूब फुगाने के लिए है। ये बैग, और ये एक्स्ट्रा इन्होंने दिया था वो, और ये हमारा सूटकेस जो कि नीचे है। और मैं सबसे पहले आपको एक ब्यूटीफुल व्यू दिखाना चाहती हूँ यहाँ से। तो ये देखो, ये जो फेज़ 1 का स्विमिंग पूल है वो है, और यहाँ पे भी रूम्स है। ये लॉन है, लॉन, और वहाँ पे पहाड़। इस पहाड़ यहाँ से बहुत ज़्यादा पास में दिख रहे हैं। ये दो चेयर टेबल, और अभी चलते हैं मेन चीज़ पे जो कि है वॉशरूम। ओके, तो ये है एग्जॉस्टर, ये है शॉवर, ये गीज़र, गीज़र का बटन यहाँ पे बाहर है। ओके, शॉवर, ये है शॉवर का जो टैप होता है, नल होता है, तो वो, ये है हैंड शॉवर, ये कमोड, ये वॉश बेसिन, ये आप देख सकते हो। फिलहाल के लिए सब बंद कर दो ये। और इन्होंने एक्स्ट्रा शैम्पू दिए है, और ये हमारा शैम्पू है जो हमने लाया था। ये ब्रश वगैरह भी है अवेलेबल। एंड ये है डोर, मेन एंट्रेंस का डोर। ये है टीवी, टीवी के रिमोट एंड वो सब देते हैं। एंड गाइज मैं आपको इनका मेन्यू कार्ड दिखाती हूँ सबसे पहले। तो ये है मेन्यू कार्ड जो कि रूम्स में भी अवेलेबल होता है, मतलब रखा होता है। तो गाइज अगर आपको आपके रूम पे मंगाना होगा तो 10% एक्स्ट्रा चार्जेस होगा उसका। पर ये तो मिले, पर इसमें थोड़े बहुत जो फूड आइटम्स है वो अवेलेबल नहीं है, तो वही प्रॉब्लम है। और गाइज ये ना रूम के बाहर है, तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं हमारे सामान जो कि हमारे खा के फिनिश हो चुके हैं, तो वो उठा के लेके जाएंगे बाद में। और ये है गाइज हमारे लॉबी में खिड़की जहाँ से स्विमिंग पूल दिखता है, ये आप देख सकते हो। पर कल हम लोग ये स्विमिंग पूल पर नहीं गए क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा छोटा था, तो इसी के वजह से। तो हम गए बड़े स्विमिंग पूल पे, उसका भी टूर हम लोग करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। सो यस।
यहाँ पे रेंटेंस भी है, अगर आपको रेंटेंस चाहिए होगा तो आप उनको बता सकते हो, तो फिर वो रेंटेंस चालू करेंगे। और ये है डीजे, तो डीजे भी चालू कर सकते हो आप अगर उन लोग को बोलोगे तो। और गाइस यहाँ पे बच्चों के लिए गार्डन भी है, तो अभी चलो गार्डन भी देखते हैं। देखो, और ये फिलहाल अभी जैम है तो बारिश की वजह से। यहाँ पे रेन डांस भी है, अगर आपको रेन डांस चाहिए होगा तो आप उनको बता सकते हो, तो फिर वो रेन डांस चालू करेंगे। और ये है डीजे, तो डीजे भी चालू कर सकते हो आप अगर उन लोग को बोलोगे तो। और देखो रेन डांस, और गाइस यहाँ पे बच्चों के लिए गार्डन भी है, तो अभी चलो गार्डन भी देखते हैं। देखो, और ये फिलहाल अभी जैम है तो बारिश की वजह से। सो गाइस फेज वन से फेज टू के लिए जाने के लिए गाड़ी भी है, तो अभी हम चलेंगे फेज टू के लिए ब्रेकफास्ट करने के लिए। बस चलो ना, तो गाइस अभी गाड़ी से उतर चुके हैं, तो जो भी आपका पैकेज रहता है ना उसमें वन टाइम ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहता है। काय मागवायचं आपलं? Gracias.
आला आला तो गाइस अभी मैं आपको दूंगी फेज वन का मतलब जो रेट्स है रूम के, तो मतलब एक कपल के रेट रहेंगे 5,500 मतलब 5,000 5,500 रहेंगे, और अगर आपका एक एक्स्ट्रा पर्सन है तो उसके 1,000 चार्ज करेंगे। तो बिलो 10 इयर्स के मतलब फ्री रहता है और अबाउट 10 इयर्स चार्जेस रहते हैं। और अगर हम फेज़ टू की बात करें मतलब फेज़ वन का, अभी हम चेक इन और चेकआउट की बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारा चेक इन होता है 1 बजे और चेकआउट होता है 11 बजे सुबह। फिर उसके बाद फेज़ टू की बात करें तो फेज़ टू में 7,000 रुपीज़ रहता है एक कपल का, और अगर एक्स्ट्रा पर्सन है तो उसकी भी 1,000 चार्जेस रहते हैं। और यहाँ पे गाइस 2 स्विमिंग पूल है, तो हम स्विमिंग पूल का टूर लेंगे। तो दोनों के जो चेक इन और चेकआउट के टाइम एक ही है, पर उसके एमिनिटीज और वो सब अलग है, तो इसकी वजह से थोड़े ज़्यादा कॉस्ट होगा। तो अभी चलते स्विमिंग पूल पे। और ये है यहाँ पे बहुत बड़ा गार्डन लाइक लॉन, पर गाइस एज कंपेयर टू जो फेज टू का स्विमिंग पूल है वो उससे छोटा है, फेज टू का बड़ा स्विमिंग पूल है। और ये है यहाँ पे वॉशरूम, जो भी शॉवर लेना है लेके हम लोग जो जाते हैं स्विमिंग पूल में तो वो हम कर सकते हैं। और ये जो स्विमिंग पूल है वो 12 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए ही रहता है। तो आज भी हम लोग एंजॉय करेंगे स्विमिंग पूल में, मुझे तो अभी जाने का मन कर रहा है स्विमिंग पूल में। अपना ट्यूब वगैरह मैंने इसमें लगा दिया है, ये अभी हवा भरेगा। सारा पकड़ है ना, असर टाइट पकड़ा, टाइट। तो गाइस दोनों ट्यूब की हवा भरकर अभी हम मिलते हैं। चालत
समज किती वातावरण किती भारी आलं समृद्धी लाईट गेली वाटतं लाईट कॉन लाईट कॉन इकडे बघ ते भारी ना वाव किती मस्त वातावरण झालेलं आहे माझ्या पाऊच्या पाऊ हे होतं मग विजा कड करता येईल Thank you.